नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर आरके टीवी मेडिटोनियम के। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन बोपरिन के बारे में। इंजेक्शन बोपरिन के क्या यूजेज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या डोज होता है, किस तरीके से यूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बोपरिन इंजेक्शन किस कैटेगरी में आता है। ये आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि NSAIDs, जिसे हम नॉन ऑपोइड्स एनर्जेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है बुखार को खत्म करने वाली दवा। साथ ही साथ अगर बात करें बोवरन एक्वा जो इंजेक्शन होता है, ये पेन रिलीविंग होता है, दर्द में राहत देता है। और ये पेन यानी दर्द है, सूजन है, स्टिफनेस है, जॉइंट पेन है, और लाइक अर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक्यूट मस्कुलेटर स्केलेटर प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी स्थिति में ये यूज किया जाता है। कॉमनली अगर साइड इफेक्ट इसके देखे जाए तो कई सारे इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक है, बैली पेन है, अपसेट स्टमक है, थ्रोइंग अप है, मैनी स्मॉल मील्स, गुड माउथ केयर, सकिंग हार्ड, शुगर फ्री कैंडी और च्यूइंग शुगर फ्री गम में हेल्प। मतलब ये कहने का ये कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हेडेक या बैली पेन है या अपसेट स्टमक देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको छोटे छोटे समय में यानी कि कम समय में खाना खाते रहना चाहिए और अपने मुंह की केयर अच्छी करें। और शुगर फ्री आप कैंडी ले सकते हैं या शुगर फ्री आप च्युइंगम ले सकते हैं, जो कि आपको गम्स में या अदर माउथ प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है, राइट। इसके साथ में ये टॉक विद डॉक्टर अबाउट स्टूल स्टॉफनर और लैक्सेटिव लूज स्टूल्स डायरिया हार्म टू द लिवर मे रेयरली हैपन, राइट। तो ये जो मेडिसिन है ये कॉन्स्टिपेशन भी कर देती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को स्पेशली मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो काफ़ी सारी जानकारी आप छोड़ सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये जो दवाई है किस किस के साथ में नहीं ली जा सकती है। ड्रग कंटेनिंग पेन किलर्स, जैसे नीमोसिलाइड, पेन किलर्स दवाइयाँ जिनमें नीमोसिलाइड है, या ऑक्सीफेन, विटाजोन है, या मेटामिजोल है, या एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हैं जैसे वारफेरिन है, ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स है जैसे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है, मेडिसिंस फॉर मेनिया लिथियम है, इस प्रकार की दवाइयों के साथ में बोवरन एक्वा इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। इंट्रैक्ट कर सकता है, कोई रिएक्शन कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी और बहुत अच्छे तरीके से जाननी होगी कि ड्रग इंट्रैक्शन में ये सारी दवाइयाँ अगर किसी पेशेंट को चल रही हैं तो ये बोवरन एक्वा इंजेक्शन बिल्कुल भी ना दें। ये एक छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। इस तरह की और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एलोपैथिक से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ इस चैनल पर अपलोडेड आपको मिल जाएगी। रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं और अन्य विभिन्न जानकारियाँ भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।